सोना है। हम आ गए, वापस आ गए, हम आ गए। थोड़ी देर के लिए आए भी सो जो। यार यहाँ लड़की आएंगी मुनासिब। अरे तो अपन तो क्या दो बेड़ों पे? वो कई तो क्या हो गया, लड़की आए तो नहीं आप फिर मतलब जगह नहीं होगी ना, तो वो बेड पे हम तो एडजस्ट कर लेते हैं। देखो यार ऐसी होती है दोस्तें, हमारी बहुत स्ट्रांग टीम थी। बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। स्ट्रांग टीम होने के बावजूद लेकिन कुछ गलती की है ना, मुझे उस गलती से डाउट हो रहा है बस। वो जो गलती की है ना उस गलतियों से डाउट हो रहा है और बाकी सब ओके है। तुम यहाँ पर हो अभी? सही है, फिर तुम मुझे कहना यार यहाँ से क्या। यार मुझे मांगते हुए इतना अच्छा लगा, मतलब माफ करे, मजा आ रहा था। हाँ बड़ी मासूमियत से मांग रही थी मैं। मैंने कहा अल्लाह करे ऐसा कभी कोई वक्त आए अल्लाह ना ये बांध ले। हां बताओ मेरे दिमाग में, बताओ आज क्या चल रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था क्या, अगर शो के बाद खुदा ना खासा हम लोग कहेंगे तो ऐसे कैमरे लेके कर गए, तुम कैसे खड़े हो जाओ कैमरे लेके, और हम भी कहेंगे कि हमारे साथ शूटिंग हो रही है कुछ खिला दे मेरा पैसों के। ये सोच रही थी मैं। साइन जब वापस आए ना तो एक और सीन चल रहा था, राबेल और बालाज दोनों घुसे पड़े एक दूसरे में। राबेल तो ऐसे उसकी आंखों में घुसी पड़ी जैसे वो दीवानी हो उसकी, और बालाज जिधर राबेल गया उसके पीछे पीछे मजनू की तरह। जमीन पे सही है डन। गुड नाइट। आसमान लगने लगा हाईवे मेरे यार, बादल ये दिखने लगे रे सरकार। चल रहा हूँ उड़ रहा हूँ आए समझना, गालों पे प्यार से तू पंच कर। बोले तो बोल हाउस घर है घन चक्कर, फादर ना मदर मैं हूँ बस नहीं तो सरकार। मस्ती मस्त है जबरदस्त है हर कोई देखो चिल्ला। Bowl, 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 bowl house. Bowl, 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 bowl house. हमने खाना खाया, इतने में सदाए वकार आई, चलो बेटा आ जाओ रिजल्ट लेने, और हम लोग चल पड़े। पूरा आपको एक दिन दे दिया रेस्ट करने का, और आप में से कुछ कंटेस्टेंट जो है आज बोल हाउस छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जिनको पब्लिक चाहेगी तो वो वापस भी आ सकते हैं। तो जहां ये वीडियो देख रहे हैं उसी YouTube चैनल पर जितने लोग आपके लिए वोट करते रहेंगे कि इसको होना चाहिए, अगर मैंने निकाल दिया तो वो वापस आ सकता है। खाना कितना खाया होगा आप में से? बहुत ज्यादा खाया, बहुत ज्यादा खाया था। हम लोगों ने डिफरेंट डिशेस खाई थी, क्वांटिटी भी हमारी ज्यादा थी और डिशेस हमने बहुत खाई थी। थप्पड़ कैसा लगा था आपको? बहुत ज्यादा जोर से लगा था, लेकिन क्योंकि एक टीम वर्क था, एक चैलेंज था। तो राबेल आप उसे गालियां देने क्यों लग गई थी? क्योंकि उसने गलत किया था। क्या? तो थप्पड़ खाने का बोला था? उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है, और आगे से वो बोल रही है कि अब यहाँ आना, और इतनी जोर से मारा, दिस इज नॉट दी वे कि अब यहाँ से चले जो अब यहाँ आना। हम कोई उससे वो तो नहीं बोल रहे थे, बदतमीजी तो नहीं कर रहे थे, तो उसको भी आगे से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए था। हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टास्क के आप थप्पड़ मार दे, इतनी जोर से तो कोई नहीं मारता। हम उनके पास गए, हमने रिक्वेस्ट बदतमीजी की कि आप यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ नहीं आना। हम उनके पास, हम जिस फैमिली के पास या जिन भी लोगों के पास जा रहे थे, हम दूर से पूछ रहे थे कि कैन वी कम और नॉट। उन्होंने कहा आप आ जाए। फिर हमने पूछा कि हमारा एक चैलेंज है, कैन वी टेक दिस फूड और नॉट। उन्होंने कहा प्लीज आपको जो खाना है आप खा सकते हैं। तो उन्होंने एक दो पराठे के पीस उठाए हम लोगों ने। फिर एक लड़का था तो हमने कहा कि आप थप्पड़ मारेंगे प्लीज? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मारूंगी। लड़की थी कहती मैं मारूंगी, लेकिन लड़के लड़की से थप्पड़ खाते। मैंने कहा मैं खा लूंगी, कोई मसला नहीं, आप मुझे मार दें। तो उन्होंने जब मारा तो उन्होंने एक तो ऐसा लग रहा था पर्सनल कोई ग्रज नहीं होते। किसको लगता है राबेल ने जो किया वो ठीक किया? जैसे ही बलाज की टीम से पूछा कि राबेल ने जो किया है वो सही किया या गलत किया, तो राबेल ने फौरन आमिर की तरफ देखकर लड़ाइयां करना स्टार्ट कर दी,
और मीनवाइल वहाँ पर वकार जो है वो कैमरामैन वगैरह से बात कर रहे थे और लड़ाई जो है वो और बढ़ती गई और बढ़ती जा रही थी। तो आप फिजिकल वायलेंस बेटा तू रुक जा, आमिर तुम बोलो कि मैंने सही नहीं किया, शेम ऑन यू, अभी तुमने यू की है, मैंने बोल दिया, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अब देखो जरा बेटा, मुझे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, उसकी बैंड बजेगी, भरोसे की बात ही नहीं, ठीक नहीं किया। तो बेटा तूने भी एक थप्पड़ नहीं खाए, समझ आई? आमिर ने थप्पड़ खाया, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो सारे। भाई राबेल मेरी तरफ देख के मतलब वो बोल रही है, तुम मतलब तुमने मेरे लिए कुछ बोला है? मैंने कहा भाई मैं तेरे लिए कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ वकार भाई का जो कैमरामैन था उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन राबेल मेरे ऊपर चढ़ रही है। भाई मैंने तुझे बोला क्या है? तो डेयर था ना, डेयर में क्यों निकल रही है? डेयर था तो बेटा तूने भी एक थप्पड़ नहीं खाए, समझ आई? और मैं ये बोली थी कि कैप्टन ने ये चीज़ फेयर नहीं की कि उसने किसी चीज़ में वो नहीं किया, आमिर ने किसी चीज़ में कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है, आमिर ने थप्पड़ खाया, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो सारे। बोलो ना मुँह से, सिर्फ इसने खाया, उसने खाया, उसने थप्पड़ खाया एक भी? ये तो कैप्टन पे भी बात आई, उसपे भी बात आई कि थप्पड़, आमिर ने थप्पड़ क्या मस्ती दिखा रही है? मैं से बात कर रहा हूँ, तुम बोलो मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरे साथ मत ओपिनियन देती हूँ, तुमने थप्पड़ दे, तू चल दे, तू मेरे साथ मत करना, बिलाल मत समझना, मुझे बता रहा हूँ, यू शट अप, तमीज से रहो, कौन होती हो शट अप, तुम तमीज से रहो, जरा समझ आई तुम्हें, और काट में रहो अपनी, घर जाके लड़ना, होती कौन हो तुम, तुम कौन हो, क्यों बोल रही हो, तमीज से बात करो, तमीज से बात कर। वकार भाई उधर कैमरामैन से बात कर रहे हैं, इधर राबेल मेरे साथ फड्डा कर रही है। मैंने बोला वकार भाई साईं इधर देख ले, वहाँ फड्डा बढ़ता ही जा रहा है। जी जी, क्या मसला हो रहा है? कौन लड़ रहा था? आमिर भी लड़ रहा था, क्या हुआ? जी सर, वो बोल रही है तुमने क्यों ना कहा, मैंने कहा डेयर के बीच में तुमने कहा तो मैं बोलूंगा, तो बोल रही क्यों मेरा नाम बोल रहे, मतलब मैंने गलत किया, डेयर के हिसाब से तुमने गलत किया तो मैं बोलूंगा, एक भी थप्पड़ इस तो बंदे ने नहीं खाया, सब थप्पड़ खाने के लिए राजी थे, ये बंदा था जो थप्पड़ नहीं खा रहा था, वो बात ही नहीं हुई है सर, बात हुई है कि तुमने गलत किया या नहीं किया, बात ये हो रही है, थप्पड़ खाने के लिए सिर्फ इसने खाया है, कोई परेशान नहीं खाया था थप्पड़, मैंने जिशान ने और दानिया ने खाया, बस मैं भी थप्पड़ खाने के लिए राजी था, हम लोग रेडी थे, लेकिन हम ये तो किसी चीज में नहीं था, थप्पड़ खाने के लिए आमिर किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, मुझे थप्पड़ इतने जोर से मारा और मैंने इस वजह से किया, मुझे भी लगा था, जी मुझे लगा था, जब उसको लगा था, तमीज से बात करो, जी नाटक आप ना करें, तुम कोई नहीं होती शट अप बोलने वाली, मुझे बोले तमीज से बात करें, मैं क्या करेगी, क्या करेगी, अंदर तो बड़ा बहन बहन करे थे, औरतों की इज्जत करते, ये तुम लोगों सही बोल कैसे, तमीज से बात करो, देखो ना, अच्छा ठीक है, बातें सिर्फ करने आती हैं, टीम में ही झगड़ा सर, खुद कर रही है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है सर, क्योंकि स्टार्ट किया है, तुमने मेरा नाम क्यों लिया, के तुमने गलत किया, सीधी बात है, इसकी पर्सनल खा रहा है, क्योंकि ये कोई और मतलब है, वो ये निकाल सर, मैंने कहा ये गलत किया, उस लड़की को यूं मारा, इसका काम ही नहीं था, अगर उसने खुद बोला है मुझे थप्पड़ मारो, उस लड़की ने मार दिया तो छोड़ दो तुम, वो आपस में डील करेगी ना, थी ना मेरी टीम, टीम के साथ किसी बंदे को कुछ बोला तो मैं चुप रहूंगी, बाहर के लोगों से लड़ना नहीं था, लड़ना नहीं था, उसने गलत किया, डेयर नहीं करना था, वो डेयर से हट के चीज हुई, निकल जाओ, वो डेयर से हट के, क्यों निकल जाओ, तुम कौन होते हो निकालने वाले, क्यों बोल रही हो, अपना मुंह बंद रखो, अबे चुप कर, ये देख रहे इसको, यही लंबा डाल दूंगी दो मिनट में, समझ आई, ये मत बोल, चल काम कर, काट दूंगा, काट आ, काट, 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 बोल रही है टीम, बोल रही है, करो, वी आर अ टीम नाउ, उसके बाद टीम की वजह से मैंने स्टैंड लिया ना, जिस टीम में इत्तेहाद ही ना उस टीम को तो टीम ही नहीं मानूंगा, तो टीम वर्क हुआ भी नहीं ना, खुद ही कर रही है, थप्पड़ खाए, कोई काम किया नहीं, बीच में मैंने बोला ही नहीं, शुरू से ये जो है इस टीम में होना नहीं चाहते थे, बार बार इनका यही था कि वो उस टीम में चले जाते हैं, वहाँ लड़के नहीं है, तो मैंने और हम सब ने कहा भी था आपको जाना है आप चले जाएं, पर आप बीच में कुछ गंद मत करिएगा, पर एट दी एंड ही सेड नो नो आई वांट टू बी इन दिस टीम एंड देन ही डिड नॉट परफॉर्म, मैंने किया सर, मैंने पैसे लिए, सिंधी होते पुलिस वाले कैमरा में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है सर, आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड है, मैंने दो एक एक करके बात की, जी मैंने सर 100 लिया वहां से बैठे हुए सिपाही और 60-70 मैंने दूसरे सिपाही से, लड़की पे हाथ उठाने क्यों आगे बढ़ रहे थे सर, हाथ नहीं उठा रहा हूँ, बात ऐसे कर रही, मैं क्या करूँ, क्या बोला उसने ऐसा
सर वो बहुत बुरा बोल रही है। क्या बोला? ये पर्सनल गंदी गाली दे रही है। मैं गाली नहीं दी, डाल दूंगी बोल रही है। हाँ तुमने बोला मैं काट दूंगा तो मैंने बोला मैं भी डाल दूंगी। मैं क्या बोलूं? तुमने बोला था, मैंने बोला मैं लंबा डाल दूंगी, तुमने बोला काट दूंगी। पूरा सुनो पहले। गाली तो नहीं दी उसने? सर ये डालने वाली गाली या मैंने बोला लंबा डाल। तो इतना लड़ने गए तो आगे आके मैं लड़कियों से लड़ता ही नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं सबकी। ये क्या कर रहा था? पर्सनल खा रहे हैं सर, ये तो खुद ये इनकी आशुकिया माशुकिया चल रही है, उसकी पर्सनल खा रही है। किससे किससे? इधर कहीं आशुकिया माशुकिया चल रही है और मैं उस चीज के अगेंस्ट हूं कि हम लोग यहां पर ये काम करने नहीं आए, ठीक है? और उस लड़की से सबकी खा रहे, तो इस वजह से ये मुझे बोल रहा था उसको नॉमिनेट नहीं करना तुमने, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। ये मुझे बोल रहा था अभी अंदर, बोल रहा था तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम मेरी बहनों जैसी हो, अभी यहाँ के टोटली चेंज हो गए। मैं तो बहन ही मानता हूँ तुम्हें, तुमने कहा है अपनी बहन के साथ भी ये करते हैं। नहीं करता मैं, तुमने बात स्टार्ट की ना, क्योंकि मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ अपनी पर्सनल। किसको नॉमिनेट नहीं करना? जिसके साथ जिसको ये लाइक मारिया तो सर वो आपस में बहन ही मानता हूँ, ये मेरी बहनों की तरह है, ये खुद गलत समझ रही है। अगर मैंने ओपिनियन दिया तो इसे गलत नहीं समझना चाहिए था, मतलब मैं तो मारिया करता हूँ उसकी। वो भी बहन है? नहीं सर। बाकी सब बहने हैं सर, वो नहीं है, वो दोस्त है सर, दोस्त है, अच्छी दोस्त। हम बहनों के दोस्त नहीं है। चुप हो जाओ कश्यप। वो भी है लेकिन वो बहन नहीं है। What the hell? जब मेरा नाम राबेल ने आमिर के साथ जोड़ा, मैंने दिल में सोचा कि ना मेरी आज से किसी का भी बात हुई है, ना मैं से जानती हूँ ना कुछ, बिना वजह मेरा नाम उसके साथ क्यों जोड़ दिया? मुझे तो लग रहा है राबेल खुद पसंद करती होगी उसे। राबेल ने बोला मैं तो तुझे लंबा डाल दूंगी, और आमिर साहब बोलने मैं तुझे गाड़ दूंगा, मतलब अल्फाजों का जो चुनाव है ना वो तो बहुत अजीब है। और ये दोनों फाइट करने ऐसे आए थे जैसे पता नहीं क्या हो जाना, चांटे वांटे लाते होते सब करनी है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुंह के फायर है दोनों। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।